बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह आप लोग अपने फेसबुक पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई करें। 2022 में आप लोग किस तरह अपने फेसबुक पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई करें। अगर आप लोग अपने पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को चंद बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन ये है कि आप लोगों को इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस तरह टेलीग्राम पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ज़्यादा फॉलोअर्स होना लाजिमी है। अगर आपके इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या टेलीग्राम पर है या ट्विटर पर है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मशहूर हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने फेसबुक पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो पर। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं फेसबुक ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। एक है लाइट, दूसरा है ऑफिशियल। आप लोग ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करके साइड के थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आ जाए। जैसे कि आप लोग नीचे आ जाए तो इधर लास्ट में है हेल्प एंड सपोर्ट। आप लोग हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके इधर है हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर को आप लोग ओपन करें। जैसे कि आप लोग हेल्प सेंटर को ओपन करें तो इधर है सर्च। सर्च बार में आप लोग टाइप करें वेरीफाई ब्लू बैच, वेरीफाई विद ब्लू बैच, इसको आप लोग इधर सर्च करें। जैसे कि आप लोग वेरीफाई विद ब्लू बैच को सर्च करें तो इधर आप नीचे स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करें तो देखो ये स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इधर एक ऑप्शन है पहले नंबर पर, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरीफाई बैच ऑन फेसबुक, इस पर आप लोग क्लिक करें। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करें तो इधर कुछ इस तरह सेंटर पेज सामने आ जाएगा। ये देखो ऊपर है वी एनकरेज एडमिन ऑफ वेरीफाइड पेज एंड प्रोफाइल टू यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपके अकाउंट पर टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन है तो फिर आप लोग अपने फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे अकाउंट पर पहले से टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन है तो नीचे है फिल आउट दिस फॉर्म, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। आप लोग सबसे पहले अपने अकाउंट पर टू स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन करें, फिर नीचे है फिल आउट दिस फॉर्म, इस पर आप लोग क्लिक करें। तो मैंने फिल आउट दिस फॉर्म पर क्लिक कर दिया। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखो वेरीफाई योर पेज आर प्रोफाइल, नीचे है व्हाट आर यू वेरीफाइंग, एक है पेज दूसरा है प्रोफाइल। तो मैं पेज को टिक करूंगा और इसके बाद नीचे है सेलेक्ट पेज, इस पर क्लिक करके अपने पेज को सेलेक्ट करें। तो मैंने इधर ये पेज इधर एंटर एड कर दिया, ये मेरा पर्सनल पेज है। फिर नीचे है डॉक्यूमेंट टाइप, इस पर आप लोग क्लिक करके इधर आप लोग अपने वही डॉक्यूमेंट टाइप एड करें, लाइक जैसे नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इसके साथ ये देखो नेशनल आईडी कार्ड, टैक्स फाइलिंग, रिसेंटली यूटिलिटी बिल। ये है जिसमें आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपके अकाउंट के साथ सेम है। तो मैंने नेशनल आईडी कार्ड इधर एड कर दिया। इसके बाद नीचे है एड डॉक्यूमेंट फोटो चूज फाइल, इस पर क्लिक करके अपने नेशनल आईडी कार्ड का तस्वीर इधर एड करें। तो मैंने अपने नेशनल आईडी कार्ड का पिक्चर इधर एड कर दिया। जैसे कि आप लोग इसको ऐड करें तो इसके बाद नीचे आ जाए, इधर है पेज कैटेगरी, इसको आप लोग ऐड करें। फिर इसके बाद नीचे है कंट्री, तो कंट्री मैंने पाकिस्तान ऑलरेडी ऐड किया है। इसके बाद नीचे ऑडियंस ऑप्शनल, एक है ऑडियंस ऑप्शनल, दूसरा है आल्सो नाउ इज ऑप्शनल। अगर इसमें आप अपने तरफ से कुछ लिखना है तो आप लोग लिखो, अगर खाली छोड़े तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जिसमें आपका फॉलोअर ज़्यादा है तो इसका लिंक्स आप लोगों ने इधर ऐड करना है। तो मैंने इधर अपना ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम इधर ऐड कर दिया। लिंक वन में मेरा इंस्टाग्राम है और लिंक टू में मेरा ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है। तो अभी नीचे मेरे पास कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है तो मैं सिंपली सेंड पर क्लिक करूँगा। तो आप लोग भी सिंपली सेंड पर क्लिक करें। सेंड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को तकरीबन 2-3 मिनट वेट करना है और 2-3 मिनट वेट करने के बाद ये सेंड हो जाएगा। जैसे कि ये सेंड हो जाए तो उसी वक्त फेसबुक की तरफ से आप लोगों को एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आप लोगों को फेसबुक वाले बताएंगे कि आपका जो पेज है वो हमने वेरीफाई किया या वेरीफाई नहीं किया। अगर वेरीफाई नहीं किया तो इसमें रीज़न है, आप इसको रीड करें कि इसमें क्या है। तो मैं तो तकरीबन 2-3 मिनट वेट करूँगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे फेसबुक की तरफ से कौन सा ईमेल आया। तो आप लोग 2-3 मिनट वेट करें, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो जब 2 मिनट पूरा हुआ तो फेसबुक की तरफ से मुझे एक ईमेल आया, ये देखो 1 मिनट एगो ये ईमेल आया। इस पर मैं क्लिक करूंगा और आप लोगों के सामने मैं इसको ओपन करूँगा। तो देखो इस ईमेल में फेसबुक वाले ने लिखा है वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई यूर पेज आर प्रोफाइल, थैंक यू फॉर यूर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई यूर पेज आर प्रोफाइल, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट टू वेरीफाइड एंड दिस टाइम। अभी मेरा पेज इसलिए वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ना इंस्टाग्राम में ज़्यादा फॉलोअर्स है, ना फेसबुक में ज़्यादा फॉलोअर्स है और ना ट्विटर में ज़्यादा फॉलोअर्स है। अगर आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद है कोई भी प्लेटफॉर्म पर तो आप इसके लिंक इधर
स्पाम में ऐड करके अपने पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई करें। तो ये सिंपल तरीका है जिसके ज़रिए आप लोग अपने फेसबुक पेज को ब्लू टिक के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।